नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आपने JSSC 10+2 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है और उसके ऑनलाइन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी मिस्टेक हो गया है, तो कैसे आप उस एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कीजिएगा, कैसे उस फॉर्म को एडिट कीजिएगा, A to Z जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार होगा। अन्यथा दोस्तों, अगर आप सुधार नहीं करते हैं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर आप इस परीक्षा के लिए भागीदार नहीं हो पाएंगे, नहीं शामिल हो पाइएगा एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, सुधार की प्रक्रिया को जानने के लिए हमें इसके सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखना होगा कि आखिर सुधार के बारे में क्या कुछ जानकारी दी गई है, कैसे आप लोग सुधार कर सकते हैं, कब से कब सुधार कर सकते हैं, कितना उसमें चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, कौन कौन से डिटेल्स उसमें करेक्शन हो पाएंगे, उसकी जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई है। तो उसको देख लेना बेहद आवश्यक है। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर वो नोटिफिकेशन आपको करेक्शन से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। एक बार डाउनलोड करके आप लोग ज़रूर एक बार रीड कर लीजिएगा। ऐसे चलिए अब जानते हैं कि आखिर किस डेट के बीच आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी यहां पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन ऑन हो चुका है। यहां पर देख सकते हैं कि हर एक जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इस एडवर्टाइजमेंट को 2023 में ही जारी किया गया था, पर जब ये वैकेंसी का जो अप्लाई डेट है वो देख सकते हैं कि July 5 से 2024 में अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर डेट में आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, ये मत समझिएगा कि ये गलत नोटिफिकेशन है, 2023 मिस प्रिंट हुआ है। एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था 2023 में, पर वैकेंसी को एक्टिव किया गया 2024 में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप लोग गड़बड़ा मत जाइएगा या फॉल्स इसको मत समझ लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन बिल्कुल ही रियल है, आप देख सकते हैं ऊपर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का लोगो भी है। यहाँ पर देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन डेट जो पहले का डेट था वो उसको आपको नहीं देखना है, जो अभी का डेट है उसको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर देख लेते हैं क्या आपका डेट रहने वाला है। अगर संशोधन का तो हर एक जानकारी को बताया गया है यहाँ पर विस्तार पूर्वक। तो जिन भी कैंडिडेट का ऑनलाइन फॉरम में किसी प्रकार का कोई भी अगर गड़बड़ी हो जाता है तो 18 से 20 अगस्त तक ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर पाएंगे। इससे पहले दोस्तों आप लोग 11 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और लास्ट परीक्षा शुल्क आप लोग 13 अगस्त तक भर सकते हैं। यानी रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं पर पेमेंट नहीं किए हैं तो 13 अगस्त तक पेमेंट करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। और फोटो हस्ताक्षर अगर गलत डाउनलोड या गलत अपलोड हो गया है तो आप लोग दोबारा से उसको प्रिंट कर सकते हैं या रीअपलोड कर सकते हैं 16 अगस्त तक। और किसी डिटेल्स में प्रॉब्लम हो गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संशोधन करने की तिथि, यानी अशुद्ध प्रविष्टि हो गई है, किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी हो गया है तो 18 से 20 अगस्त यानी 2 दिन का आपको समय दिया जाता है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने के लिए। अब जानते हैं कि कौन से डिटेल्स को आप लोग यहाँ सुधार कर सकते हैं और कितना चार्ज लगेगा और क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो इसकी जानकारी को जानने के लिए हमें इसके संपूर्ण ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखना होगा। ये तो आपका जो है नोटिफिकेशन वो आपका करेक्शन से रिलेटेड नोटिफिकेशन है। देख सकते हैं संशोधन कैसे किया जाए उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, पर कौन से डिटेल्स में आप लोग सुधार कीजिएगा और कितना चार्ज लगेगा उसकी जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है, जिसमें बताया गया विस्तार पूर्वक कि कितने पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं और जानते हैं कि आखिर कितना चार्ज लगेगा और कैसे होगा। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि इसका फुल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। दोस्तों, मैं फिर आप सभी को बता रहा हूं कि आप इसके डेट में मत गड़बड़ाइएगा। ये नोटिफिकेशन 2023 में निकाला गया था, इसलिए हर जगह 2023 ही मेंशन है, पर एक ही प्रोसेस आपका रहने वाला है। डेट बदल जाएगा पर एक ही प्रोसेस रहने वाला है। आप किसी भी पद के लिए अप्लाई किए हुए हों, आपको एक ही प्रोसेस से हर फॉरम में सुधार होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ जानकारी दी गई है, जो जो मेन जानकारी है उसको मैं यहाँ बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर डिटेल्स जान लीजिए कि आखिर आप किस किस डिटेल्स में सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में
अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर हर एक प्रविष्टि में आप लोग संशोधन कर सकते हैं। यानी आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस में बदलाव ला सकते हैं। अगर एड्रेस के स्पेलिंग में किसी प्रकार का कोई अगर गड़बड़ी हो गया है तो आप लोग सुधार कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर को बदल सकते हैं। पर दोस्तों जो जानकारी यहां पर बताई गई है उसमें आप लोग सुधार नहीं कर सकते। दोस्तों अगर फोटो सिग्नेचर अगर गलत अपलोड हो गया, ब्लर अपलोड हो गया, तो आप उसको दोबारा से री अपलोड भी कर सकते हैं, यहां पर जानकारी दी गई है। और एक बात दोस्तों और कि अगर आप अपने कास्ट में अगर चेंज बदलाव करते हैं तो आपको अलग से भुगतान करना होगा, परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। उसकी जानकारी मैं यहाँ बता देता हूँ, डिटेल्स को मैंने यहाँ बता दिया है। और इससे रिलेटेड जानकारी पाने के लिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब जानते हैं कि कितना परीक्षा शुल्क यानी भुगतान शुल्क कितना अपलोड करना होगा, देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जानकारी में दिया गया है कि संशोधन के उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। संशोधन के उपरांत अंतर राशि का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए साफ तौर पे कहा गया है। अभी इसका शुल्क के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है कि आगे करेक्शन में कितना पेमेंट लगेगा। जब इसका डेट करीब आएगा तो हो सके आपका 15 अगस्त को जारी कर दिया जाए लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जिसमें आप सभी का भुगतान शुल्क दिया गया होगा। तो उस समय भी और जब इसका करेक्शन प्रोसेस जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो उस समय भी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आप सभी को स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कीजिएगा। हर एक जानकारी को बताऊंगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन अगर कोई भी आती है तो उसकी सूचना मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो ऐसे में आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी दोस्तों आप लोग अपडेट होते रहिएगा। अन्यथा आप लोग करेक्शन नहीं कर पाइएगा तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और स्वीकार कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप सभी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन कर लेना बेहद आवश्यक है। और हर एक करेक्शन से रिलेटेड जानकारी मैंने यहाँ बता दी है कि कौन से डिटेल्स में बदलाव कर सकते हैं और क्या यहाँ पर फीस लगेगा, कब से कब तक होगा, इसकी A to Z जानकारी दे दी है मैंने। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।